240 पर अटक गई भाजपा। नीतीश नायडू बन रहे किंग मेकर, पर क्या फिर पलटी मारेंगे नीतीश? अगर नीतीश पलटे तो क्या करेगी भाजपा? क्या है भाजपा का प्लान बी? नीतीश कुमार, जी हां, नाम तो सुना ही होगा, भारत की राजनीति का एक ऐसा चेहरा जिसने पलटी मार मार कर हर राजनीतिक पार्टी को खूब नाच नचाया है, और एक बार फिर ऐसा ही मौका नीतीश कुमार के हाथ लगा, पर इस बार कंडीशन अप्लाई है। चर्चा का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर के राजनीतिक दलों में एकजुटता लाने का प्रथम प्रयास करने वाले चंद्रबाबू नायडू भी अभी एनडीए में बैठे नजर आ रहे हैं, और अगर ये दोनों पलट जाते हैं तो भाजपा का सरकार बनाना मुश्किल में आ जाएगा। एक और विषय है जो जबरदस्त चर्चा में है, और वो है नीतीश कुमार की यात्रा। एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे थे, पर उसी समय तेजस्वी यादव भी इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे। गौर करने वाली बात यह है कि सुबह 10:40 की जिस विस्तारा की फ्लाइट UK 718 से नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हुए, उसी फ्लाइट में RJD नेता तेजस्वी यादव भी सवार थे। दोनों नेता अंदर ही कुछ प्लान कर सकते थे और अंदर ही अंदर कुछ चर्चा करते हैं तो इसके नतीजे देशव्यापी होंगे। आपको ये भी बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में 12 जनता दल यूनाइटेड यानी कि JDU और भारतीय जनता पार्टी BJP को मिली है, यानी कि 12-12 सीटें इनके खाते में गई, जबकि एनडीए की सहयोगी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को 5 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट मिली। वहीं लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD को 4 सीटें मिली हैं। इसके अलावा कांग्रेस को 3 और लेफ्ट पार्टी को 2 सीटें मिली हैं। पूर्णिया की सीट निर्दलीय पप्पू यादव के खाते में गई है। सियासी समीकरण तो यही है कि नायडू और नीतीश अगर नहीं पलटते हैं तो एनडीए की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर ये दोनों पलट गए तो ये तो तय है कि सवाल ने भाजपा की नींद जरूर उड़ा दी है, क्योंकि नीतीश कुमार कब पलट जाएं ये तो स्वयं भगवान ही बता सकते हैं, बाकी कोई सामान्य इंसान तो उनकी चाल कभी पकड़ ही नहीं पाया। यही कारण है कि इतने बार पलटने के बाद भी नीतीश कुमार हर गठबंधन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट की सूची में होते हैं। अब बात ओवरऑल समीकरण की करें तो अगर एनडीए गठबंधन की बात करते हैं तो नीतीश की 12 सीटें अगर हटा भी दी जाएं तो एनडीए के पास में सरकार बनाने जितना आंकड़ा मौजूद रहेगा, लेकिन अगर नायडू नीतीश के साथ निकल पड़े तो फिर एनडीए खतरे में आ जाएगी और सरकार बनाने का मौका हाथ से निकल सकता है। हालांकि अभी तक तो मामला शांत ही नजर आ रहा है और एनडीए की तरफ से फिर से सरकार बनाने की तैयारी जोरों पर है। पत्रिका के लिए कृपाशंकर शर्मा की रिपोर्ट।